और ज्योतिष आचार्य जी, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद तो जो रक्षा सूत्र है उसे कई लोग ये नहीं जानते हैं कि कब खोला जाए, खोलने की विधि क्या हो, और खोलने के बाद उस रक्षा सूत्र को क्या करना चाहिए। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन राखी तो बांधते हैं, सब लोग राखी बांध लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग खोलने का नहीं करते हैं। खोलने का भी मुहूर्त होता है, यदि आप मुहूर्त में राखी खोलते हैं तो वह शुभ माना गया है। आप राखी को बांधने के बाद यदि आप राखी को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकें तो विजयादशमी के दिन आप राखी को खोल करके जल प्रवाहित कर सकते हैं। उस दिन जल प्रवाहित करने का विधान है। और यदि आप उतना दिन तक नहीं रख सके तो ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भादव पूर्णिमा तक एक में प्रवाहित कर दें, और एक महीना भी यदि नहीं रख सके आप, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन आप राखी को सुरक्षित खोल करके उसी जल में प्रवाहित कर दें। इसे ही शुभ माना गया है। यदि बीच में राखी टूट जाए तो टूटने के बाद उसे निश्चित रूप से जल में प्रवाहित करें, इधर उधर न फेंकें। इधर उधर फेंकने से अशुभ माना गया है।